संस्था से तय नहीं कर सकते। हम लोग व्यक्तिगत जो चांदीवली है, चांदीवली की समस्या से रूबरू हम लोग जानकार हैं। चांदीवली में क्या दिक्कत है उत्तर भारतीय समाज की, उस चीज़ का हम लोगों को पूरा अध्ययन है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप मामा लांडे अगर यहाँ आमदार होकर आते हैं तो हम लोग उत्तर भारतीय समाज मिल करके उस काम को यहाँ पर हल कर लेंगे। एक व्यक्ति है उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। चुनाव में देखिए लगभग हम लोग अपने पूरी समाज की तरफ से इनको बड़े बड़े सम्मेलन दे करके एक एक व्यक्तियों को मिला करके एक बड़ा समर्थन कर रहे हैं। उसके अलावा उससे भी हट के जैसे जातीय सम्मेलन भी यादव लोगों का है, गुप्ता जी लोगों का है, कि कोई भी एक वर्ग छूटे नहीं, तो सभी लोगों को उनसे मेलजोल करा करके महिलाओं का सम्मेलन लेके सबके आत्मबल को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आत्मबल बढ़ा रहे हैं इसलिए लोग उनका काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएँ हैं मूलभूत, हमारे पास उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 1 लाख की संख्या है। उसमें हमको एक फेरी वाला क्षेत्र चाहिए, जो गाड़ी वाले रोज उठाए जाते हैं, जो रोज़ रोते हैं और उस नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं। राजनीति नहीं करके मुझे एक हाकर्स जोन बना कर दे दीजिए और वो अपना धंधा पानी वहाँ पर करें, बाकी जिसको जहाँ से उठाना है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, राजनीति भी खत्म हो जाएगी। जो जो चीज़ों की दिक्कत है, रिक्शा वालों की जो समस्या है, स्टैंड की समस्या है, अगर हमारे पास 25-20 वर्ष मंत्री था, ये सब जोन तैयार होती तो उत्तर भारतीय रोते ही नहीं, उनको दूसरे जगह कहीं जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको काम तो करके देना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया हो रही है तो व्यवस्था भी करके देनी पड़ेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मामा में वो नेतृत्व है अभी तक, जो काम उन्होंने किया है कि ये सब काम आगे हम लोगों का कर देंगे। आज जो मुंबई में उत्तर भारतीय संघ का ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हमारे शिवसेना के प्रमुख जो हैं आदित्य ठाकरे साहब के शुभ हाथों से हुआ है, यह बहुत अच्छा है और हम उत्तर भारतीयों के लिए चांदीवली विधानसभा में एक गर्व का विषय है। और आगे भी हम ये सोचते हैं कि जो हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को जो समस्याएं हो रही हैं मूलभूत की, आज 30 साल से लोगों को देख रहा हूँ झेल रहे हैं। मैं भी इस समाज के एक कोने से एक पत्रकार हूँ जिसको मैं यहाँ की समस्याओं को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे हमारा क्षेत्र चांदीवली विधानसभा 4-4 बार राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय और राशन मंत्री, कई बार उद्योग मंत्री, पालक मंत्री तक रहने के बाद भी इस चांदीवली विधानसभा में ऐसी दुर्दशा है। सड़कों की व्यवस्था आप लोग देख ही रहे होंगे कि 5-5 घंटे लग जाता है साकीनाका से जरीमरी घाट को पर कमानी पहुंचने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि आज जो मामा का कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, उन्होंने भरसक प्रयास किया है चांदीवली में सौंदर्यीकरण का। यहाँ आज 30 साल से कचर कुंडी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ हमारे मंत्री जी के आमदार के लोगों ने कचर कुंडी के जगह पे रिक्शा स्टैंड, टेम्पो स्टैंड और गाला दुकान पान पट्टी डाल के कब्जा कर लिया है। आज हम लोग जब सड़क से निकलते हैं, 90 फुट रोड हो या चांदीवली पवई रोड हो या जरीमरी रोड हो, सब जगह कचर कुंडी की समस्या थी, लेकिन मामा ने, दिलीप लांडे मामा ने उसको अपने स्टैंडिंग कमेटी में होने के बाद उसको ज़्यादा सरल करने की व्यवस्था की है। और आप क्या कहना चाहेंगे आज, मतलब उत्तर भारतीयों के लिए कुछ अच्छा हो, महाराष्ट्र में इनको सम्मान मिले, हम यही चाहते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।